आइए अब नजर डालते हैं अन्य राष्ट्रीय खबरों पर। केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता अनुराग सिंह ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले के छत संग्यार में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा की सरकार ने पिछले 5 साल में कांग्रेस की तुलना में हिमाचल की जनता के लिए विकास के काफी काम किए। मित्रों, 5 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार से कोई कमी नहीं रही। हर क्षेत्र में सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी से लेकर बाकी मूलभूत सुविधाएं, हम ये कह सकते हैं कांग्रेस के 60 साल और हमारे 5 साल में मुकाबला करके देख लो, हमारे 5 साल इनके ऊपर भारी पड़ेंगे भाई और बहन। अरे कांग्रेस के अपने नेताओं से पूछिए आप, इस विधानसभा क्षेत्र में देन क्या है उनकी, या प्रदेश में क्या किया है, केवल रुकवाने का काम किया है। ये तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई प्रदेश में तो जो 4 साल कांग्रेस ने रोक के रखा था, हमने 3.5 साल में एम्स बनाकर हिमाचल की जनता और जिला बिलासपुर की जनता को समर्पित कर दिया। पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने शिमला में कांग्रेस पार्टी पर हिमाचल प्रदेश की जनता के साथ बेरुखी का आरोप लगाया है। एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि उन्होंने कहा कि राज्य में अब चुनाव प्रचार कुछ दिनों में खत्म होने वाला है, लेकिन कांग्रेस का कोई वरिष्ठ नेता दिखाई नहीं दे रहा। राहुल गांधी कहां है, कहां गायब है राहुल गांधी? यात्रा पर तो हैं, लेकिन हिमाचल से ऐसी बेरुखी क्यों है? कांग्रेस की पूरी लीडरशिप, मैं इफेक्टिव लीडरशिप की बात कर रहा हूं, उनको हिमाचल से इतनी बेरुखी क्यों है कि अब मुश्किल से 1-2 दिन में चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा? न राहुल गांधी दिखाई पड़े, न उनकी माताजी दिखाई पड़ी। रविशंकर प्रसाद ने भाजपा के हिमाचल प्रदेश में चुनावी घोषणा पत्र का जिक्र करते हुए कहा कि राज्य में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए पहली बार एक अलग से मैनिफेस्टो लाया गया है जो देश की राजनीति में एक मील का पत्थर साबित होगा। हिमाचल प्रदेश में जिस तरह नारी शक्ति के लिए एक अलग मैनिफेस्टो लाया गया है, वो भारत की राजनीति में एक बहुत नए मील का पत्थर है। और मुझे पूरा विश्वास है कि यह सोच देश भर में जाएगी कि हम देश की बेटियों के रूप में, हिमाचल प्रदेश की बेटियों के रूप में हमेशा उनके और विकास के लिए बड़ा काम करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए 2 दिवसीय दौरे पर शिमला पहुंचेंगे। वे कल हमीरपुर के सुजानपुर और कांगड़ा के चंबी में एक एक रैली करेंगे। और हिमाचल चुनाव पर विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ हमारे 2 साथी संवाददाता जुड़ गए हैं, उर्मिलेश और अनुज। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। उर्मिलेश, लगातार हम देख रहे हैं आरोप प्रत्यारोप भी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जमीन पे मुकाबला कैसा दिखता है? जी ऋतु, बिल्कुल ये कह सकते हैं कि अब जो चुनाव प्रचार है वो अपने अंतिम दौर में है। 10 तारीख को शाम को 5 बजे ये चुनाव प्रचार थम जाएगा, तो उससे पहले तमाम जो राजनीतिक दल है ऋतु, वो किसी भी प्रकार की कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं चुनावी प्रचार में। तो लिहाजा तमाम जो राजनीतिक दल है, वो सारे राजनीतिक दल जो है अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। जहां एक तरफ की आज जो है केंद्रीय मंत्री जो है गडकरी हो गए, अनुराग ठाकुर हो गए, स्मृति ईरानी हो गए, उसके अलावा जो है जो फायर ब्रांड जो नेता है योगी आदित्यनाथ, वो भी यहाँ पर जो है जन सभा कर रहे हैं। तो वही दूसरी तरफ अगर बात की जाए कांग्रेस की, तो कांग्रेस के जो है जो राजस्थान के उप मुख्यमंत्री है सचिन पायलट हो गए, हरियाणा के जो नेता है हुड्डा जो है वो यहाँ पर, भूपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ पर है, उसके अलावा भी कांग्रेस के कई नेता जो है यहाँ पर है। इस तरीके से अगर बात की जाए ऋतु, तो जैसे कि आपने भी दर्शकों को बताया कि कांग्रेस की तरफ से जो है कल यानी बुधवार को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो मल्लिकार्जुन खड़गे है वो यहाँ पे आएंगे और 2 कार्यक्रम उनके यहाँ पर
पर लगे हुए हैं। साथ ही अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो है 9 तारीख को यहाँ पर प्रधानमंत्री आएंगे और प्रधानमंत्री दो जो जनसभा उनके प्रस्तावित है यहाँ पर कांगड़ा में और हमीरपुर में वहां पर जनसभा करेंगे। जहां तक रही बात जमीनी समीकरण की, जो राजनीतिक समीकरण यहाँ पे है ऋतु, तो देखा जाता था कि जैसे पहले जो है, पहले अगर बात की जाए तो 37 साल का जो यहाँ पर जो है एक जो है लगातार ये परंपरा थी कि एक सरकार आती थी उसके बाद दूसरी सरकार आती थी, लेकिन इस बार जो है कांग्रेस ने ये परंपरा बनाए की बात की तो वही भारतीय जनता पार्टी ने से रिवाज बदलने की बात की। हालांकि इसका जो है 12 तारीख को जो मतदान होगा उसमें और 8 तारीख का जब यह चुनाव रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा कि क्या कुछ है, ये क्या कुछ मतदाता करते हैं। लेकिन अगर अभी बात की जाए ऋतु, तो यहां पर जैसे कि सोमवार को भी और आज भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता है राहुल गांधी उन पर तीखा हमला किया है कि जहां एक तरफ जो है हिमाचल की जनता जो है तमाम कांग्रेसियों के वादे और उसमें जो है जिस तरीके से वादे कर रही है कांग्रेस यहां पर, वही दूसरी तरफ जो है राहुल गांधी बेरुखी कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश की जनता से। इस तरीके से कहीं ना कहीं आरोप और प्रत्यारोप के भी जो है जमीनी स्तर पर जो है शुरू हो गए हैं। मात्र जो है कुछ घंटों का ही कह सकते हैं इसको कि काउंटडाउन होगा जब प्रचार बंद हो जाएगा। दूसरी बात और है ऋतु कि निर्वाचन आयोग ने भी अपनी तरीके से यहाँ पर पूरी तैयारियां कर दी है। खासकर अगर लाहौल स्पीति और किन्नौर जिलों की अगर बात की जाए जहाँ पर की विषम भौगोलिक परिस्थितियां है ऋतु, वहां पर जो है निर्वाचन आयोग ने अपनी पूरी तैयारी की है क्योंकि वहां पर जो है रात का अगर तापमान की अगर बात की जाए तो 0 से लेकर -5 और 7 तक जा रहा है। ऐसे में जो निर्वाचन आयोग के सामने बहुत सारी कठिन चुनौतियां हैं, लिहाजा निर्वाचन जिला निर्वाचन आयोग से ऋतु जब हमने बात की है तो उन्होंने कहा है कि हमने यहाँ पर चुनाव से लेकर के पूरी तैयारियां कर दी है, तमाम जो एजेंसियां उन एजेंसियों को जो है उनसे संपर्क साधा है और चुनाव में किसी भी बूथ पर जो है मतदान कोई बाधित ना हो, हर आदमी आए निष्पक्ष रूप से और बेखौफ होकर के मतदान करे, अपने मतों का प्रयोग करे। यहाँ पर अगर बात की जाए मुद्दों की ऋतु, निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी की तरफ जहाँ जो डबल इंजन सरकार के विकास के मुद्दे हैं और दूसरी तरफ कांग्रेस जो है यहाँ पर कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल में कोई ऐसा विकास की उपलब्धि नहीं की है, तो दोनों आरोप और प्रत्यारोप लगा रहे हैं। हालांकि हिमाचल की जनता जनार्दन किस को जो है अपने मत, जो है अपना जो मत है उसको देती है इसका पता जी उर्मिलेश अनुज से भी जरा जमीनी हालात जानते हैं, समीकरण कितने बदल रहे हैं। अनुज ऊना से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुज, हमेशा की परंपरा रही पहले कांग्रेस फिर बीजेपी, इस परंपरा को तोड़ने की बात की जा रही है लेकिन मैदान में त्रिकोणीय मुकाबला कहा जा रहा था, क्या ये त्रिकोणीय मुकाबला दिखाई देता है? आम आदमी पार्टी की कितनी धमक, कितनी मौजूदगी दिख रही है? इसी के साथ साथ अनुज आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि घोषणा पत्रों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने वक्फ बोर्ड को इस बार जोड़ा है तो ये कितना बड़ा दाव भारतीय जनता पार्टी खेलने जा रही है इस चुनाव में? देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर घोषणा पत्रों की अगर ऋतु बात करें तो बड़े बड़े दावे और बड़े बड़े वायदे सभी राजनीतिक दलों ने किए हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो या फिर जो नई नवेली पार्टी है आम आदमी पार्टी जो दिल्ली से निकलकर इस बार हिमाचल की राजनीति में अपनी जमीन तलाश रही है। दूसरी जो आपने बात की, बिल्कुल देखिए सबसे बड़ी बात यही है कि जो वक्फ बोर्ड का जो मुद्दा इस बार भारतीय जनता पार्टी ने उठाया है, उन्होंने कहा है कि जितनी भी वक्फ बोर्ड की जमीनें हैं उनकी जांच कराई जाएगी, क्योंकि ये एक ऐसा मुद्दा है, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि दूसरे राज्यों के अंदर भी हम देखें तो इस तरह की जमीनों पर कब्जे कई बार देखने को मिलते हैं जो निश्चित तौर पर लोगों के लिए भी कहीं ना कहीं मुसीबत बनते हैं, तो ये एक भारतीय जनता पार्टी ने इस मुद्दे को जरूर यहां पर उठाया है। दूसरी जो आपने बात की कि परंपराओं को जारी रखने और रिवाज बदलने की, स्थानीय मुद्दों के साथ साथ एक ये बहुत बड़ा मुद्दा इस चुनाव के अंदर बनता जा रहा है ऋतु, क्योंकि परंपरा तो सभी लोग जानते हैं, 5 साल भाजपा 5 साल कांग्रेस, क्या ये रिवाज बदलेगा? इस रिवाज को बदलने के लिए ही भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता जनता के बीच में गली मोहल्ले गांव और शहरों के अंदर जा रहे हैं और इस बात का उदाहरण भी दे रहे हैं कि देखिए अपने पड़ोसी राज्य उत्तराखंड को देखिए, गोवा को देखिए, मिजोरम को देखिए कि जनता ने जब वहां 2 बार भरोसा जताया भारतीय जनता पार्टी पर तो विकास की रफ्तार डबल इंजन की सरकार कैसे लेकर आगे बढ़ रही है। तीसरा आपका बहुत बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है ऋतु, आम आदमी पार्टी, बिल्कुल मैं चाहे भारतीय जनता पार्टी को उम्मीदवार हो या कांग्रेस के, मैं उनसे यह बात जरूर पूछता हूं कि अभी तक तो आप कांग्रेस और भाजपा की लड़ाई ही आप लोग लड़ते आए हैं, एक दूसरे का सामना करते आए हैं, इस बार आम आदमी पार्टी क्या आपके लिए चुनौती है, क्या खतरा साबित हो सकती है?
दोनों ही पार्टियों के नेता, चाहे कांग्रेस हो या भाजपा, वो ये कहते हैं कि देखिए लोकतंत्र में तो सभी को हक है चुनाव लड़ने का, लेकिन वो चुनाव लड़ने से पहले अपना संगठन तो यहां पर मजबूत कर लेते, अपना संगठन तो मजबूत बना लेते, क्योंकि उनके पास बूथ स्तर के कार्यकर्ता नहीं है। ये आरोप दोनों ही राजनीतिक दलों के हैं। तीसरी बात है कि मैं जब आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों से बात करता हूं तो ये सवाल उठाता हूं कि भाई आप लोग जो हैं जनता के बीच में जा रहे हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, इन लोगों ने तो हिमाचल को छोड़ दिया, ये लोग तो गुजरात में जाकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं, कहीं अकेला तो अपने को महसूस नहीं करते। तो उन्होंने कहा कि देखिए ये तो आम आदमी पार्टी ही चुनाव लड़ता है, बड़े बड़े नेताओं की जरूरत नहीं होती है। तो कुल मिलाकर अपनी अपनी बातें सभी राजनीतिक दल, सभी उम्मीदवार, सभी नेता जनता के बीच में लेकर जा रहे हैं, लेकिन पूरे इस हिमाचल के अंदर त्रिकोणीय मुकाबला जो मैं पिछले कई दिनों से घूम रहा हूं कहीं नहीं दिखाई दे रहा। कांटे की टक्कर, कड़ा चुनाव भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में ही है। ऋतु, बहुत बहुत धन्यवाद अनुज इस विस्तार से इस विश्लेषण करने का, न सिर्फ जमीनी मुकाबले का बल्कि मुद्दों को भी एक बार तलाशने का कि वो क्या मुद्दे हैं जिनको लेकर एक तरह से इस बार का हिमाचल प्रदेश का चुनाव बेहद दिलचस्प होता जा रहा है। साथ ही साथ कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच बड़ी टक्कर बता रहे हैं आप, दोनों ही संवाददाता इस समय जमीन पर मौजूद है। मात्र एक तरह से कह सकते हैं 48 घंटे का समय बाकी है चुनाव प्रचार के थमने में। बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरे चर्चा के लिए।